भिवंडी स्थित मालीपाड़ा काटाई बाग रोड एकता चौक के पास खाड़ी पार में कैरन क्योर हॉस्पिटल में जिजाऊ शैक्षणिक व सामाजिक संस्था महाराष्ट्र राज्य संस्थापक अध्यक्ष नीलेश जी सांबरे के अध्यक्षता में MGA एजुकेशन एंड मेडिकेयर सेंटर द्वारा भव्य सत्कार सभा का आयोजन MGA एजुकेशन एंड मेडिकेयर सेंटर के सचिव शकील अंसारी व जिजाऊ खूनी काटाई अध्यक्ष मच्छिंद्र घरत तथा उनके सभी सहयोगियों द्वारा बड़े हर्षोल्लास के साथ किया गया। इस अवसर पर जिजाऊ शैक्षणिक व सामाजिक संस्था महाराष्ट्र राज्य संस्थापक अध्यक्ष नीलेश जी सांबरे, भैरव सेवा समिति अध्यक्ष अनिल भैरव, रोटरी क्लब भिवंडी अध्यक्ष नरेश गरेला, अल अंसार वेलफेयर सोसाइटी उपाध्यक्ष शाहिद फारूकी जाधव गुरुजी, सेक्रेटरी रोटरी क्लब ऑफ भिवंडी इलियास भाई, सरपंच खूनी बाबू खान, सदस्य ग्राम पंचायत खूनी अम्मार यासिन मास्टर, इमरान शेख, मंजूर शाह सहित भारी संख्या में मान्यवर व खाड़ी पार के ग्रामस्थ मंडल उपस्थित थे। आए हुए सभी मान्यवरों का स्वागत सम्मान MGA एजुकेशन एंड मेडिकेयर सेंटर के सचिव शकील अंसारी व जिजाऊ खूनी काटाई अध्यक्ष मच्छिंद्र घरत तथा उनके सभी सहयोगियों द्वारा पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। तो वहीं सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाले लोगों को सर्टिफिकेट देकर गौरव सम्मानों से सम्मानित किया गया। तो वहीं MGA एजुकेशन एंड मेडिकेयर सेंटर के सचिव शकील अंसारी द्वारा केयर एंड क्योर हॉस्पिटल में बहुत ही जल्द 10वीं व 12वीं के बच्चों के लिए नर्सिंग कोर्स तथा 8वीं व 10वीं के बच्चों को टेलरिंग मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स मुफ्त में शुरू किया जाएगा। तो वहीं जिजाऊ शैक्षणिक व सामाजिक संस्था महाराष्ट्र राज्य संस्थापक अध्यक्ष नीलेश जी सांबरे ने केयर एंड क्योर हॉस्पिटल में बहुत ही जल्द एम्बुलेंस देने का आश्वासन भी दिया। तो वहीं इस कार्यक्रम का सूत्र संचालन अकील जावा कर रहे थे। आइए देखें इसकी एक रिपोर्ट। बहुत अच्छा लगा कि शकील भाई जैसे एक सर्वसामान्य आदमी है लेकिन वो समाज के लिए एक अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ का OPD का रजिस्टर देखा तो सबसे ज़्यादा पेशेंट रोज आते हैं और गरीब पेशेंट फ्री में व्यवस्था इन पर इधर होती है। यहाँ पे शासन का कोई भी हॉस्पिटल नहीं है ये एरिया में, और शकील भाई जैसे अच्छे इंसान और इनका ट्रस्ट काम करते वो देख के बहुत अच्छा लगा। आज का दिन मेरे को सार्थक ही लगा। और इस ट्रस्ट के लिए उनको उन्होंने एम्बुलेंस की मांगनी किया तो अपना जिजाऊ ट्रस्ट पूरा कोकण में 45 एम्बुलेंस नया अभी परचेस किया है, उसमें से इस एरिया में एक एम्बुलेंस की व्यवस्था हमारे घरत जी है शाखा प्रमुख इनके घर पे रहेगी। वो 24 आवर्स में वो बोले थे मेंटेनेंस हम करेंगे, हम मेंटेनेंस भी करेंगे और फ्री पेशेंट की व्यवस्था करेंगे, ये शब्द देते हैं। जिजाऊ एजुकेशन और सोशल ट्रस्ट इस कोकण के 5 जिलों में गरीबों को इलाज होना मांगता है तुरंत, गरीबों का जान बचना मांगता है और गरीबों के बच्चे पढ़ना मांगता है। जिसको माँ बाप नहीं उनके भी बच्चे पढ़ने मांगता है और जिसको बेटा नहीं वो भी माँ बाप को दवाइयाँ तुरंत मिलना मांगता है, वो काम कर रहे हैं। और मेरे को भिवंडी वासियों के जो बड़े लोग है ज़्यादा पैसे वाले लोग है उनके फैमिली के से ज़्यादा जो संपत्ति है वो संपत्ति समाज के लिए, जैसा शकील भाई काम कर रहे हैं, जिजाऊ काम कर रहे, भैरव तो सुस्ता काम कर रहे, ऐसा काम करना मांगता है। अच्छा काम करेंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। जैसे हम बोले एक काका का स्कूल 20 साल पहले उन्होंने निकाला लेकिन वो अच्छा काम करते इसलिए वो उनको वो टाइम उस MLA साहब मिले और MLA साहब ने उनको मंजूरी दे दी। वैसा अच्छा काम करेंगे तो कोई किसी का हाथ धरने की ज़रूरत नहीं, और अच्छा काम सबने करना मांगता है। अपने परिवार के लिए जैसे करते हैं वैसा अपने बाजू वाले के अपने गाँव वाले के लिए भी करना मांगता है। आज हमारे ये यहाँ पर जिजाऊ संस्था के संचालक माननीय नीलेश भगवान जी यहाँ पर पधारे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ पूरी संस्था की जानिब से। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एक साधारण आदमी हूँ लेकिन ऐसे ही लोगों का जब कोऑपरेट मिलता है तो
तो हम लोग कुछ काम करने की हिम्मत बांधते हैं। मैं पूरी संस्था की तरफ से उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जो एम्बुलेंस की बात कही है ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इंशाल्लाह हम उसका जो है ना कोई भी मिस यूज़ होने नहीं देंगे। अच्छे ढंग से जिस तरीके से आप सेवा करते हैं उससे आपसे प्रेरणा लेकर हम ऐसे ही सेवा करेंगे। और जो MGA एजुकेशन सोसाइटी अभी ये जो यहाँ पर है वो इस नेशनल स्किल डेवलपमेंट कोर्स चालू कर रही है, जिसमें 12वीं और 10वीं में लड़कियों को फ्री में जो है ना नर्सिंग का कोर्स सिखाया जाएगा, और 8वीं और 10वीं के बच्चों को टेलरिंग और मोबाइल का काम सिखाया जाएगा। ये टोटल फ्री होगा, यहाँ पर एक रुपया भी यानी 10 रुपया आपको फॉर्म का भी देना नहीं है। ये 6 महीने का कोर्स है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जानिब से है, उस कोर्स का सब लोग फ़ायदा उठाए, यहाँ पर आए, एडमिशन ले और खुद कफील बने। इससे हमको सबसे बड़ी अपेक्षा जो वो प्रेरणा की है, अगर ऐसे लोग प्रेरणा व्यक्ति हमारे लिए है तो हम उनसे प्रेरणा हासिल करेंगे और जितना भी हो सकेगा हम वो काम करने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने जो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो पॉलिटिकल आदमी नहीं है, जो बोलते हैं वो करते हैं, इंसानी दर्द है उसके अंदर। मैंने पहले माफ़ करना, मैं समझा था जीजाऊ संस्था जो है सिर्फ वो आगरी या कुंभी समाज से जुड़ी हुई है, लेकिन जब मैं जड़ पोली गया तो वहाँ पर देखा कि 30% से ज़्यादा लोग जो है वहाँ पर मुस्लिम लोग हैं, जिसमें फराज है, अकदास है, बहुत सारे लोगों को जब मैंने देखा तो मैं बहुत ही मुतासिर हुआ कि अरे इसके अंदर तो तमाम समाज के लोग जुड़े हुए हैं, और जिस संस्था के अंदर तमाम समाज के लोग जुड़े होंगे वो संस्था जो है बहुत ही कामयाब होती है, बहुत काम करती है। मैं उनका बहुत ही मुबारकबाद देता हूँ कि इतना बड़ा काम करना कोई मामूली बात नहीं है। आज एक परिवार नहीं चला सकते, वो पूरे महाराष्ट्र के अंदर इतनी बड़ी संस्था चला रहे हैं, ये उनके जिगर है। अब मैं अल्लाह से दुआ करूँ, अल्लाह उनको ताकत दे, उम्र दे, सेहत दे, और ताई को भी उम्र दे, सेहत दे, ताकि वो लोग, और सबसे बड़ी बात है कि छोटे से छोटे प्रोग्राम ये अटेंड करते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है, ये खूबी है उनकी। उनकी खूबी की जितने खूबियाँ बयान की जाए वो कम है। हमारे अनिल भाई यहाँ पर मौजूद है, भैरव सेवा समिति है, हमारे शाहिद फारूकी जी है, अम्मार है, जादव गुरु जी है, ये तमाम लोग जो है एक समाज से जुड़े हुए लोग हैं और समाजी काम करते हैं। अल्लाह उनको उनका फल दे और उनकी सेहत में तरक्की दे।